नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इन प्रश्नों का हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? यानी कि वो कह रहा है कि अगर 3000 रुपया तो मूलधन हो गया, 12% जो वार्षिक दर हो गई, और ब्याज जो हो गया साधारण ब्याज वो हो गया 1080। तो हमें बताना कि कितना समय लगेगा इसे साधारण ब्याज को 1080 होने में। तो देखिए, पी होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, पी बराबर कितना दिया है 3000 रुपये, 3000 रुपये दिया है, और दर दी है यानी कि रेट आर, आर बराबर दिया 12% दिया, और ब्याज ऐसा ही यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो दिया है वो कितना दिया है 1080। अब हमें बताना क्या है, समय यानी कि टी बताना है। तो हमें पता है ऐसा ही बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है पी यानी कि मूलधन गुणा दर आर, और टी यानी समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इतना होता है। ऐसा ही इसमें कितना दिया है, दिया है 1080। जैसा दिया है वैसा लिख लेते हैं, और मूलधन दिया है 3000 रुपये प्रिंसिपल, और गुणा आर दिए 12%, और समय जो हमें निकालना है, समय को हम मान लेते हैं टी। ठीक है, और इसके बटे में आ जाएगा 100। अब देखिए, एक शून्य है तो ये कट गया, एक ये और एक कट गया, ऊपर रह गया 30, 12 और 3। तो 1080 को यहाँ लिख लेते 1080। ठीक है, 12, 12, 36, 32 यहाँ आ गया 30 गुणा 12 बचा, और गुणा में टी, तो 12, 12, 36 ही हो गया 360 टी। 360 का इसमें दे देंगे भाग, तो 3, 1 0 से कट गया, 36 3 कितने होते हैं 108, बराबर है 3 वर्ष। यानी कि 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना मिलेगा 3000 रुपये पर, 1080 रुपया वो मिलेगा 3 वर्ष में। अगला प्रश्न है, 9 सही 8/9 गुणा 9 का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ दिया है 9 सही 8/9 गुणा 9, तो 9 का इसमें करेंगे 81, 9 ने 81 हो गया, एक से दिखे ऐसे 9 + 8 और बटा में आ जाएगा 9, तो 9 ने 81 और 8 कितने हो गए 89/9 हो गया, और गुणा में आ गया 9। ठीक है, गुणा में 9, तो 9 गुणा में ये बटा में, तो ये क्या हो कट गया, तो बराबर कितना बचा 89। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, 500 रुपये का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर पी जो दिया है वो कितना दिया है 500 रुपया, मूलधन दिया है 500 रुपया, और आर जो दिया वो कितने दिया है 2% की, और टी जो दिया है समय बराबर दिया है 4 वर्ष। अब ऐसा ही हमें निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं एस आई बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन पी गुणा दर आर और गुणा टी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ऐसे पी आर टी भी कह सकते हैं, एस आई बराबर हो गया 500 × 2 × 4 और ये आ गया 100, 200 कट गया, 5 × 2 = 10 और 10 × 4 = 40। कितना ब्याज निकला 40 रुपया।